नमस्कार, मैं हूं उदरीश जे के। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार हैं वो रेड़ी पटरी और ठेलों पर या घोड़ा बुग्गी पर अपना सामान बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। वहीं कुछ महिलाएं अपने बच्चों को साथ लेकर, यानी उनको बिल्कुल साथ ले जाती हैं और शादी के पंडाल में यानी बारात घरों में खेल खिलौने बेचकर अपने परिवारों का पालन पोषण कर रही हैं, क्योंकि साथ साथ में उनको खाना भी मिलता है बारात में और उनके बच्चे भी साथ रहते हैं। किसी तरह की कोई भी, ये आप देख रहे हैं सामने, कोई परेशानी नहीं होती। वहीं उनकी बिक्री भी अच्छी हो जाती है। देखें एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता द्वारा। नमस्कार, मैं हूं इदरीस जेके और आप देख रहे हैं हिंद टीवी न्यूज़ दिल्ली। और आज हम मौजूद हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली के अशोक नगर में। यहां पर मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं, ये मंदिर से साइड में एक रास्ता जा रहा है, वहां पर बारात घर है, जहां पर जो है बारात घर में खिलौने वाली औरतें बारात घर के नाश्ता तो करती हैं, खाना भी खाती हैं, लेकिन साथ साथ दुकानदारी भी करती हैं। आइए दिखाते हैं उनसे बातचीत। मैं तो स्टोरी बना लूँगा इसका। अच्छा, हाँ आओ तो तुम्हारी स्टोरी बनवाता हूँ। बिक्री विक्री हो जाती तुम्हारी? नहीं है, नहीं ब्याह शादियों में जैसे लगाते हो आप लोग, बिक्री हो जाती है। हाँ वही तो है, कब ये थोड़ा बहुत तो बिक्री हो जाती होगी। हाँ आज 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 बारात में कितनी बिक्री हुई तुम्हारी? दो सौ रुपये बिक गए। अच्छा, चलिए और भी बारातों में जाओगी? रात में बारात अब नहीं जाओगी कहीं? अच्छा, दिन दिन की जो बारात होती है उनको करते हो आप? चलिए ये एक बात और अच्छी है कि बिक्री भी हो जाती है, खाना दाना भी हो जाता है यहीं पर ही। हाँ, बच्चों बच्चों का ये है, सही सही बात है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब।